बिरजू बिंदी तुम आ गई, हम जानते थे तुम आओगी। आओ ना, आओ ना, अंदर आओ ना। वाह, हमारे लिए खाना भी लेकर आई हो तुम। तुम बैठो ना पहले। हमारे लिए खाना लेकर आई हो ना तुम, हमें बहुत खुशी हुई बिंदी सच में। अब क्या करते बिरजू, अगर भूख के मारे मरवर जाते तो पूरा दोष हमारे घर वालों पर आ जाता, इसलिए लेकर आना पड़ा खाना तुमने लिए। हमें उन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम आ गई ना बस हमारा दिल खुश हो गया। इसे माँ कसम हमें बहुत भूख लगी है, खिला दो ना। हाँ तो लेकर आए खाना, खा लो। तुम अपने हाथों से खिलाओगी तभी खाएंगे हम। जानती हो बिंदी, हम ना एक सपना रोज देखते हैं, तुम्हारे साथ ऐसे बैठकर खाना खा रहे हैं, तुम ऐसे हमें अपने हाथों से प्यार से खाना खिला रही हो। भगवान जी का थैंक गॉड, आज हमारा एक सपना पूरा कर दिए भगवान जी, इसे साथ में तुम्हारे हाथों से खाना खाने का। फिर हमारे ना और भी बहुत सारे सपने हैं, कभी फुर्सत में तुम्हें एक एक करके सब बताएंगे। काश ये वक्त ना बस यहीं पर थम जाए, तुम हमें खिलाती रहो, हम खाते रहें। खाओ खाओ बिरजू। अरे खाओ ना बिरजू, रुक का आए गए। तुम तो जिंदगी भर खाना चाहते थे, इतनी जल्दी जिंदगी खत्म हो गई का? अरे खाएंगे ना बिंदी, खाएंगे। रुको रुको, हम अभी आते हैं। अरे अरे बिरजू कहाँ पर, खाके बिरजू। चार बार खाने में से उठ चुके हो, ऐसे में तो खाने का और खिलाने वाले का दोनों का अपमान होता है ना। अच्छा भैया, मैं एक बार उठ जाकर आना होगा। अरे बिरजू गलत है ना यार, ये कहाँ जा रहे हो तुम? देखो बिंदिया ने अपने हाथ से तुम्हारे लिए खाना बनाया, तुम्हारे लिए हाँ, फिर अपने हाथ से खिलाया और तुम हो कि खाना छोड़कर भाग रहे, बुरा लगेगा यार उसे। चलो खा लो। अरे हटो यार। अरे हमें जाने दो वरना भी यही हो जाएगा। आ जा यार, क्या हो जाएगा प्यार? लेकिन तुमने तो कहा था तुम्हें प्यार बचपन में हो गया था बिंदिया से। देखो बिरजू वो प्यार सच्चा है, ये साबित करके दिखाओ, पूरा खाना खा के दिख। चलो। अरे तुम्हारे अच्छे और बुरे के चक्कर में हमारा कच्चा खराब हो जाएगा यार। नहीं, हमारे कहने का मतलब है अपना पेट खराब कर लेगा। अरे छोड़ो यार तुम। अरे बिरजू सारी भूख हड़ताल मिटा दी तुमने बिरजू, अब देखना सारा दिन बिजी रहेगा। हमें हमारी स्ट्रॉन्ग बिंदिया वापस मिली। थैंक यू पार्टनर। कोई थैंक यू वैंक यू नहीं, हाँ बस प्यार।
बहुत हो गया ये कोमा वाला ड्रामा, कभी मक्खी मच्छर तो कभी बालों में उलझन, अब तो उठने में ही भलाई है। पल्लू, अभी ये सब सोचना बंद कर, तू ठीक हो गई, यही बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए। कृष्णा जी, आप तो सबको बुलाइए ना। कृष्णा, हम जानते हैं कि आपने सबसे ज्यादा चोट तुम्हें पहुंचाई। तो हम माफ कर देना प्लीज। हम डॉक्टर को फोन लगाते हैं, एक मिनट। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, आप जल्द से जल्द यहां पहुंचिए। मेरा पैर। कुछ महसूस हुआ? नहीं। लगता है नर्व डैमेज हो गया, हो सकता है कुछ दिनों के बाद इनको इस पैर में सेंसेशन महसूस होने लगे, लेकिन अगर सेंसेशन महसूस नहीं होगा तो फिर ये सीवियर नर्व डैमेज का केस हो जाएगा, और सॉरी फिर इसका कोई इलाज नहीं है।